आप इमेजिन कर सकते हो भाई 350 साल पहले किस तरीके से लगती होगी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में। मेला है 350 साल पुराना है। एंड गाइस ये मेले की जो स्टार्टिंग जो पहला मेला लगा था ये मेरठ में ही लगा था और 1672 में लगा था पहला मेला। और आप लोगों को बता दूं कि ये मेला कभी भी नहीं रुक पाया, भले ही इसमें 1857 की क्रांति हुई। जो हमारे बैठे अमिताभ बच्चन जी और देवानंद जी। तो फाइन दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ हमारे अमिताभ बच्चन जी के साथ, बिग बी के साथ, एंड साथ में बैठे हमारे देवानंद जी। और भाई काफी मजा आने वाला है। सर वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम आपको लेकर आए भाई नौचंदी मेले में। हालांकि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी बट वीडियो हमारे वो ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई, मगर हम आज आपको लेके आ गए भाई नौचंदी में। और देख सकते हो भाई आज इतनी भीड़ नहीं है, काफी अच्छा हो रखा है। और झूले वगैरह देखो भाई कितने बड़े। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई नौचंदी का सबसे बड़ा झूला यही लगा हुआ है यहाँ पे, द जायंट व्हील। और नौचंदी का नाम गाइस मैं बता दूं नौचंदी देवी के नाम पे रखा गया है, जिनका मंदिर ठीक सामने है। एक्चुअली में मंदिर के अंदर तो उन्होंने वीडियो नहीं बनानी थी, बट मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगा जो मैंने बनाई है। और साथ ही मैं आपको बता दूंगा जो मेला है 350 साल पुराना है। एंड गाइस ये मेले की जो स्टार्टिंग जो पहला मेला लगा था ये मेरठ में ही लगा था और 1672 में लगा था पहला मेला। और आप लोगों को बता दूं कि ये मेला कभी भी नहीं रुका है, भले ही इसमें 1857 की क्रांति हो, इसमें भी ये मेला नहीं रुका, उसमें भी लगा था, बट एक्चुअली में ये कोविड के चक्कर में रुक गया था। तो इस वजह से थोड़ी ज्यादा भीड़ थी और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं बढ़िया झूले लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को झूले वगैरह दिखाता हूँ थोड़े आगे, एंड पीछे भी देखो गाइस झूले लगे हुए वहां पे भी। एंड मैं आप लोगों को बता दूं भाई ये काफी बड़ा मेला है और काफी पुराना मेला है हमारे मेरठ का। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से सीधा वहां चल के। देखो यहाँ पे कई तरीके के भाई आप लोग देख सकते हो, मेले लगते, दुकानें लगती है। गजब बेचती हो। तो फाइन दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगे हुए छोटे बच्चों के लिए, और भाई एकदम बढ़िया बनी हुई है नौचंदी। तो भाई बहुत पुराना मेला है और आप लोग इमेजिन कर सकते हो भाई 350 साल पहले किस तरीके से लगती होगी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में। और आपको एक नजारा दिखाते हैं चलो ब्लैक एंड व्हाइट का थोड़ा सा, उस टाइम पर लाइटनिंग तो होगी नहीं इतनी। भाई मेला 350 साल पहले किस तरीके से लगता होगा बिना लाइटनिंग के ब्लैक एंड व्हाइट में, वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एंड यहाँ पे भाई काफी अलग अलग तरीके भाई पूरा मतलब बहुत बड़ा करके लेवल पे लगता है ये मेला, काफी बड़ी जगह है। और एक्चुअली में गाइस मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि इस बार जो है ना नौचंदी मेले में 1111 दुकानें लगी, आप लोग इमेजिन कर सकते हो 1111 दुकानें भाई। तो फाइन दोस्तों यहाँ पे लगा भाई कलर सिनेप्लेक्स, और आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर लगा रखा है और काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा बना रखा है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। और पीछे हमारे बैठे अमिताभ बच्चन जी और देवानंद जी, एंड अभी भाई रेडी हो रहे हैं, जस्ट कॉस्ट्यूम वगैरह पहन रहे हैं अपना लगा रहे हैं भाई बढ़िया। एंड भाई जैसे ही होता है आपको हम लोग जरूर दिखाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना इस चीज के लिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। चलो भाई दिखाते। तो फाइन दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ हमारे अमिताभ बच्चन जी के साथ, बिग बी के साथ, एंड साथ में बैठे हमारे देवानंद जी। और भाई काफी मजा आने वाला है, अभी एक्चुअली लोगों का शो होने वाला है। तो वैसे लोगों का रियल नाम पूछते हैं, आपका रियल नाम क्या अंकल? मेरा नाम मुकेश शर्मा। और अभी आप लोग मतलब एक शो करने वाले हो जिसमें आप लोग परफॉर्म करने वाले हो, तो कोई सा मूवी का परफॉर्म करोगे या नॉर्मली परफॉर्म करोगे अपने आप? चलिए देखते हैं आपका कंसर्ट कैसा रहेगा, और भाई आप लोगों से मिलते हैं एंड में। तो फाइनली दोस्तों ये है भाई नौचंदी की दूसरी साइड जहाँ पर है दरगाह, और यहाँ पे भी गाइस कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो भाई द जायंट व्हील लगे हुए हैं। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भाई झूलों में झूल कर और अंदर, साथ में गाइस महोत्सव हुआ भी है काफी बड़ा और मतलब बढ़िया है, वहाँ पे गाड़ियां घुमाई जाती है अंदर। तो भाई ये वाली वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।